रामनवमी पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर नया परिसदन भवन में सोमवार को अनुमंडलीय स्तरीय बैठक की गई। बैठक में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको, एसडीपीओ विनोद रवानी, गिरिडीह गांडे और बेंगाबाद बीडीओ सीओ, नगर थाना इंस्पेक्टर सह प्रभारी, मुफसिल इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी, पचम्बा थाना इंस्पेक्टर पचम्बा प्रभारी, बेंगाबाद थाना प्रभारी, गांडे थाना प्रभारी समेत सभी विभाग के पदाधिकारी और रामनवमी कमेटी के लोग मौजूद थे। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा, रामनवमी को लेकर सभी विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। सारी तैयारियों की समीक्षा की गई। शहर के हर क्षेत्र में बिजली पानी की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सारे पदाधिकारियों ने कहा कि रामनवमी का त्यौहार सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाएगा। उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको ने कहा कि रामनवमी के दिन शाम 3 बजे से रात 11 बजे तक बिजली कटी रहेगी। शहर के आम नागरिकों से आग्रह किया गया है कि सभी सौहार्दपूर्ण माहौल में रामनवमी का त्यौहार संपन्न कराने में मदद करें। दिनांक 15 अप्रैल 2024, आगामी रामनवमी का जो पर्व है वो 17 तारीख को मनाया जाएगा और उसके मद्देनज़र यहाँ पे अनुमंडल गिरिडीह सदर में सभी पुलिस पदाधिकारी और सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई थी। ये इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राइट नाउ यहाँ पे प्रभावी है अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शंस भी ऑनगोइंग है और इसी क्रम में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। हम लोगों ने सभी अफसर इंचार्ज से सभी सेंसिटिव लोकेशंस की मैपिंग करवाई है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट जहाँ पे ड्रोन्स और वीडियोग्राफर्स की आवश्यकता है वो प्रोविजनिंग उसकी कर ली गई है। सभी अखाड़ा और जो भी निर्धारित रूप है उनका भौतिक रूप से सत्यापन किया जा चुका है। मुख्य रूप से जो भी लो हैंगिंग या लूज वायर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को दिए गए हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी कोई डेब्रिस या बिल्डिंग मटेरियल या इस तरह का कोई भी प्रोजेक्टाइल जो कि बाद में यूज़ किया जा सकता है प्रशासन के खिलाफ या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ख़राब करने के लिए, उनको क्लियर करवाए जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सभी लोगों से सहयोग मांगा या अपेक्षित है और गिरिडीह के नागरिकों ने और सभी समितियों ने इस बात का अश्योरेंस दिया है। हमारे साथ बहुत प्रबुद्ध नागरिक भी थे जिन्होंने अपने सजेशन दिए हैं, उस पर अमल किया जा रहा है। पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी और जहाँ जहाँ पे टेम्प्रेरी इल्यूमिनेशन है वो सारी व्यवस्था की जा रही है और आमजनों से जिला प्रशासन गिरिडीह और राज्य सरकार ये अनुरोध करती है कि इस पूरे पर्व को पूरे हर्षोल्लास और पूरी गरिमा के साथ मनाएं। नए परिसदन भवन में शांति समिति की एक बैठक की गई। रामनवमी को बेहतर तरीके से मनाने के लिए सारी तैयारियों की समीक्षा की गई। सारे पदाधिकारियों ने एक स्वर में इस बात के प्रयास का आश्वासन दिया है कि 17 तारीख रामनवमी का त्यौहार बहुत सौहार्दपूर्ण धार्मिक आस्था के मद्देनज़र बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा और निश्चित रूप से 18 तारीख के अखबार में गिरिडीह जिले की रामनवमी का सौहार्दपूर्ण से मनाए जाने का जिक्र होगा। यह बात हमारे पदाधिकारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया, रामलीला कमेटियों के द्वारा, रामनवमी कमेटियों के द्वारा आश्वस्त किया गया और हम बहुत आशान्वित हैं कि 17 तारीख बहुत अच्छे से गुजरेगा, पूरी धार्मिक आस्था के साथ रामनवमी का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा।